हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये राउंड शेप में बहुत ही सुंदर बिल्कुल नए डिज़ाइन का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी। आप इसको डोरमेट बना के भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा बना के पूजा का आसन भी बना सकते हो, और आप इसको टेबल मैट भी बना सकते हो, थालपोश बना के भी यूज कर सकते हो। जो भी आपका मन करे ये डिज़ाइन डाल के आप इसे बना सकते हो। बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी इसको आसानी से बना लेंगे। जिसको थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा बनाना आता होगा वो भी आसानी से इसको बना लेगा। फ्रेंड्स, इसकी वीडियो पहले भी मैंने अपलोड कर रखी है, लेकिन काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि मैम इसी डिज़ाइन को हमें साड़ी और चुन्नी से बनाना बताइए। तो आज मैं चुन्नी से बताऊंगी कि इस डिज़ाइन को हम चुन्नी से कैसे बना सकते हैं। कोई भी कपड़े की पट्टी आप लेके इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल्स का मैंने इसमें यूज किया है। और ये देखिए, ये कपड़े की इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने चुन्नी की पट्टी बना ली है। अगर आपके पास 6 या 7 नंबर की नीडल्स हैं तो आप थोड़ी सी चौड़ी पट्टी इसकी बना लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके के फंदे मैं बताऊँगी फ्रेंड्स, जो बिगिनर्स भी आसानी से डाल लें। ये देखिए, सबसे पहले हम इसमें नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद जैसे हम नीटिंग सीखते हैं ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। एक नोट से हो गया, एक हमने डाल लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे ही मैं इसमें फ्रेंड्स 30 फंदे डाल लूँगी। 30 फंदे डालने के बाद फिर मैं इसको आगे बताऊँगी। ये देखिए, 30 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। 30 फंदे डालने के बाद फ्रेंड्स एक हम बेसिक रो बनाएंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे बना लेंगे। ध्यान से देखिए, सारे ही फंदे हम ऐसे उल्टे बना के दूसरे नीडल में ले लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो है। ध्यान से उतारिए, आराम से उतारिए, फिर ये हमारा बहुत ही जल्दी जल्दी बनके कंप्लीट होगा। ये पूरे फंदे में दूसरी रो में इस रो इसमें नीडल्स में ले लूँगी। मैं यहाँ तक इनको बना लेती हूँ। देखिए, लास्ट में मैं आ गई हूँ। लास्ट वाले को भी हम ऐसे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें एक रो उतार ली है। इस साइड से ये देखिए, आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। ये रो भी मैं, क्योंकि ये देखिए ये हमारी सीधी साइड बनेगी, इस साइड से हम इसमें सेकंड कलर लगाएंगे, तो इस रो को भी मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम जॉइंट लगाएंगे तो इतना बड़ा जब हमारा ये टुकड़ा रह जाएगा तभी हम दूसरा लेंगे। और जब भी आप साड़ी और चुन्नी से बनाओ तो हम इसको ऐसे लपेट देंगे। थोड़ा सा बड़ा रह जाए तभी आप लगाइएगा इसको। थोड़ा सा आप ऐसे पकड़ के रखिए ताकि जॉइंट हमारा अंदर चला जाए। बहुत ही ईजिली हमारा जॉइंट इसमें लग जाता है, हमें इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए, इस साइड से भी ये रो मैंने पूरी बना ली है, और किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बेसिक रो मैंने इसमें बना ली है। ये देखिए, अब हम इसमें अपनी कली की स्टार्टिंग करेंगे। इस साइड से इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो देखिए, एक हमारा ये हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 फंदे मैंने ऊपर बना दिए हैं। अभी मैं इसमें एक और कलर यूज करूँगी। ध्यान से देखिए, एक इसको भी मैं इसी के अंदर ले लूँगी।
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी। इस साइड से देख लीजिए, फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे। इस रो को हमने हर बार ऐसे ही उतारना है, जो फंदा जिस कलर से आपको दिखाई देगा उसी कलर से बनाना है। ये देखिए, पट्टी को कैसे लेना है वो भी आप एक बार देख लीजिए। ये पर्पल के बना लिए, इसको इस साइड कर देंगे, उंगली में ऊपर ले लेंगे और ये देखिए ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। और आगे हमारा पिंक है तो हम पिंक से बना देंगे। ये रो आपने हर बार ऐसे ही बनानी है, इसमें हम फंदे चेंज नहीं करेंगे। तो इस रो को मैं बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, किनारे वाले को हम सीधा बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से हमारी सीधी साइड है तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए, अगर आपको कली में एक ही कलर लगाना है तो आप इसी कलर को ऊपर तक लेके जाइए। ये मैंने जिसमें दो कलर लगाए हैं तो मैं इसमें ऐसे ही आपको बताऊंगी। अब हमें दूसरा कलर लगाना है। ये देखिए, ऊपर से हमारे दो दो फंदे अब ऊपर की तरफ हम आएंगे। देखिए, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर से हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। फ्रेंड्स देख लीजिए, इतना इतना थोड़ा सा हम इसको बड़ा रखेंगे। चुन्नी की है फ्रेंड्स मेरी पट्टियाँ। साड़ी से अगर आप बनाओगे तो आपकी और ये बड़ी बनेंगी। ये देखिए, हम ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ फंदे ही हम ये ऊपर के बनाएंगे। और यहाँ से 16 फंदे बना लिए मैंने, जोड़े से गिने हैं। पिछली बार हमने 18 बनाए थे तो दो हम ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। और अगर आपको इसी कलर से बनाना है तो आप इसी को ऊपर लेके आइए। अब मैं इसमें आपको एक कलर और बताऊंगी। एक कलर हम और इसमें, जितने भी आपको कलर ऐड करने हैं, एक कलर की हम दो रो ही बनाएंगे फ्रेंड्स। एक साइड से हम कलर लगाएंगे और एक हम सीधी रो उतारेंगे। ये देखिए, ब्लैक कलर लगा लिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 ही फंदे हमने कली के लेके चले हैं तो 10 ही फंदे हमारे ऊपर तक जाएंगे। दो फंदे ऊपर से लिए हैं तो हम दो फंदे पीछे छोड़ देंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बना के इस रो को कंप्लीट करूंगी। देखिए, किनारे वाला फंदा आप ऐसे सीधा बनाइए, यहाँ पे एक चैन सी बनती जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर तक हम इस डिज़ाइन को यहाँ तक लेके आएंगे। जब ऊपर दो फंदे बच जाएंगे तब तक हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि बिगनर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही हम इसमें अपनी पट्टी का चेंज करते जाएंगे। अगर आपको पट्टी में, इस कली में सॉरी, और कोई भी कलर लगाना है तो आप कोई भी कलर आप इसमें लगा सकते हो। हर कलर अलग अलग भी बना सकते हो नीचे से ऊपर तक। मैं इसमें फिर से वो नीचे वाला जो पहले लगाया था मैंने पर्पल, उसी कलर को मैं रिपीट करूँगी। अगर आपको और कोई लगाना है तो आप और कोई लगा लीजिए। ये देखिए, इसी कलर को मैं लेके आऊँगी। फिर से दो फंदे बना दिए और पीछे के इसमें से मैं
बना दूंगी, दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी। ये देखिए दो फंदे मैं पीछे छोड़ दूंगी और मैं यहीं से वापस से मुड़ जाऊंगी। ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इसमें कलर चेंज करते हुए मैं यहां तक आ जाती हूं, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। ये देखिए ऊपर तक आ गई हूं मैं, दो फंदे मेरे बच गए हैं और दो मेरे यहां पे नीचे बचे हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स जो इसके बीच में ये आउटलाइन है फ्लावर के बीच में, अब हम ये रो बनाएंगे। ये देखिए सारे ही फंदे हम एक कलर के बना लेंगे। ये पूरी रो में ये फंदे में यहाँ नीचे तक बनाऊंगी। देखिए इसको बनाती हुई मैं नीचे तक आ गई हूँ, सारे ही फंदे मैंने एक कलर के बना लिए हैं। ये देखिए ऊपर से नीचे तक, इस साइड से भी फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतार लेंगे और मैं इस रो को उल्टा उल्टा बनाती हुई कंप्लीट करूँगी। ये देखिए राइट साइड से रो को मैंने कंप्लीट कर लिया है। किनारे वाले को आप सीधा बनाना मत भूलिए। देखिए फ्रेंड्स ऐसे हमारे किनारे की फिनिशिंग आएगी। अब देखिए अब तक हम इस कली को ऊपर तक लेके आए थे, अब सेम हमने कली ऊपर से नीचे जाना है और हम ये लाइन भी अपनी सेम मिलाएंगे। ये नहीं फ्रेंड्स कि इस साइड आप ये जो कलर है हमने यही लगाना है, पहले ब्लैक नहीं लगाना है, पहले हम ये ही कलर लगाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, दो फंदे हमने रखे थे तो हमारे थे और जो कली के फंदे अब हम वो लेंगे, एक दो, देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस, दस फंदे फ्रेंड्स हम कली के लेके चले थे तो दस फंदे हम इसमें ले लेंगे। पहले हम इसमें अपना कलर सेट कर लेंगे, राइट साइड से फर्स्ट वाला ऐसे उतारेंगे और इस रो को मैं कंप्लीट कर इसको बना लेंगे। दो मेरे पिंक थे तो दो मैं पिंक से बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स कलर हमने सेट कर लिया है, जो इस साइड लाइन है वही हमने यहाँ पे बना ली है। अब हम ये ब्लैक कलर लगाएंगे तो ऊपर से ध्यान दीजिए, फिर हम नीचे तक ऐसे ही करेंगे। दो फंदे मैंने थे, दो हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अब हम देखिए फ्रेंड्स ये जो पिंक है हमारा, ये फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, पहले हमारे घट रहे थे, दो फंदे बच गए थे, अब हम अपने वापस ये 18 फंदे अपने बनाएंगे जो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिए थे। दो दो फंदे हम यहाँ से इसमें ऐड करेंगे, दो फंदे ऐड कर लिए। अब हम अपना ब्लैक कलर लगाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो फंदे हम नीचे से लेंगे क्योंकि हमने अपने कली के 10 फंदे करने हैं। ये देखिए पहले हम यहाँ पे दो फंदे पीछे छोड़ रहे थे, दो आगे से इसमें ऐड कर रहे थे, अब हम इसमें आगे से दो इसमें यहाँ से ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे अपने 10 फंदे हम बना रहे हैं। नीचे से भी दो ऐड कर रहे हैं, ऊपर से भी दो। ये राइट साइड से ये रो हम ऐसे ही बना के मैं कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन मिलेंगी। अब हम अपना ये वाला कलर लगाएंगे तो एक बार ये और देख लीजिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। दो हमारे पहले थे पिंक, दो हमने पिछली बार इसमें ये ऐड किए थे, ये हमारे चार हो गए, दो हम इस बार फिर से ऐड कर लेंगे। हर बार हम दो दो फंदे यहाँ पर पिंक के बढ़ाएंगे। और अब हमारा पर्पल कलर है तो अब हम इससे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और ये 10 फंदे हम अपने बनाएंगे। तो
तो 10 फंदे दो मैंने आगे से ले लिए। ऐसे ही हम यहाँ पे फ्रेंड्स इनको बढ़ाते जाएंगे और पीछे से दो दो फंदे हम लेते जाएंगे। हम बिल्कुल यहाँ तक आ जाएंगे नीचे तक, ये करते हुए फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। सेम प्रोसेस से आपने ऐसे ही करना है, अपना कलर चेंज करते जाना है। अगली बार मैं ये ब्लैक कलर लगा लूँगी, फिर मेरे यहाँ पे ये 8 फंदे हो जाएंगे, फिर पर्पल लगाऊंगी। जैसे हमने इस साइड बनाया है, इस साइड भी हमारा ये बनता चला जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट के ऊपर से लेके मैं नीचे तक आ गई हूँ, ये आप देख सकते हो, बिल्कुल हमारी लाइन से लाइन मिली हैं। ये देखिए, ये हमारे फंदे बढ़ गए हैं। ये लास्ट की ये बची हुई है, देखिए दो फंदे जो हम ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ से मैं ये वाला कलर लगाऊंगी और मैं इसके देखिए ये दो भी हमारे बचे हुए हैं, इनको भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए, जो हमने फ्रेंड्स स्टार्टिंग में लिए थे, दो फंदे हमने छोड़े थे, 10 फंदे हमने ये लिए थे जब हमने कलर चेंज किया था नीचे से, जब यहाँ से जब हमने स्टार्टिंग की थी, और ऊपर ये 18 फंदे हमने ऊपर लिए थे। तो बिल्कुल हमारे उतने ही फंदे हमारे लास्ट रो में हो गए हैं जो हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी। ये देखिए, इस साइड से भी मैं इसको, इस रो को उतार के मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। ये देखिए, ये पूरी रो मैंने उतार के कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, अब ये दो फंदे फ्रेंड्स बचे हुए हैं, और ये देखिए ये जो कली के बीच में, ये आप देख सकते हो, ये जो आउटलाइन है, जब एक कली हमारी कंप्लीट होती है तो हम यहाँ से लेके ये पूरी रो हम बना लेंगे, और ये लास्ट के भी ये दो फंदे, ये जो हमारे लास्ट में बचे हुए हैं, ये भी हम बना लेंगे। एक ही कलर के हम ये फंदे अब अपने बना लेंगे, क्योंकि अगले रो से फिर हमने दूसरी कली की स्टार्टिंग करनी है, तो इसलिए हम ये सारे फंदे पिंक कर लेंगे, इनको भी बना लेंगे। और सीधी साइड से भी मैं इस रो को उतार के कंप्लीट करूँगी, फिर मैं आपको नेक्स्ट कली की स्टार्टिंग करके बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाई देती हूँ ताकि बिगिनर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये पूरी रो मैंने उतार ली है, और अगर आपको यहाँ पर गैप लगे है, नहीं वैसे लगे कभी, तो आप ऐसे एक फंदा आप ऐसे उठा लीजिए, और यहाँ पर आप दो का एक कर दीजिए, अगर गैप नज़र आए तो। ये देखिए, ये पूरी रो हमने बना के कंप्लीट कर ली है। राइट साइड से इसको फ्रेंड्स आप कम ही बनाना, नहीं तो यहाँ पे बड़ा सर्कल बन जाएगा। इस रो को भी मैं उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको आप हमेशा सीधा ही बनाइए। अब आपको देखिए दिखाई देगी, ये देखिए ये पूरा हमारा ये कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हो। अब हम फ्रेंड्स नेक्स्ट कली की स्टार्टिंग करेंगे, तो फिर से हम वैसे ही लेंगे फंदे। ये मैं 18 फंदे पिंक के बनाऊंगी फ्रेंड्स, मैंने ये पिंक के ले लिए हैं। अब फिर से मैं अपना ये कलर लगाऊंगी। अगर आपको कोई और कलर लगाना है तो कोई भी आप दूसरा कलर लगा लीजिए, फिर आपके आमने सामने फ्लावर सेट हो जाएंगे जिस कलर के भी आप बनाओगे। ये देखिए, ये हमारे हो गए 1 2 3 6 फंदे हो गए, जोड़े से गिने हैं, 7 8 9 और ये 10। 10 फंदे ही हमने पहले कली के लिए थे, दो पीछे छोड़ दिए थे, और 10 फंदे ही हमने ये ले लिए हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगली बार हम अपना ब्लैक कलर लगाएंगे, दो फंदे हम पीछे छोड़ देंगे और दो फंदे हम पिंक के ऐड कर लेंगे। ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कलर चेंज करते हुए, दो फंदे बच जाएंगे जब हमने हमारे ये बचे थे, फिर हम ये बीच में एक ये आउटलाइन देंगे, सारे फंदे हम बना लेंगे। जो भी आपने बेस कलर लगाया है ये वाला कलर, उसको फिर हम ये सारा बना लेंगे, और फिर हाफ़ कली हमारी बन जाएगी। और हाफ बनाएंगे तो हम ऊपर से स्टार्टिंग करेंगे, पहली रो में हम अपने कलर सेट कर लेंगे। 10 फंदे मैंने इसमें लिए हैं। अगर आप बड़ा बनाओ फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे 12 14 जो भी आप मर्जी जितने फंदे आप इसमें रखिएगा, लेकिन जोड़े से फंदे डालिएगा इसमें आप। फिर आप कलर सेट कर लीजिए, और फिर दो दो फंदे पिंक के हमारे बढ़ते जाएंगे, और नीचे से हम दो दो फंदे ऐड करते जाएंगे कलर चेंज करते हुए। इस कली को हम नीचे
उतारते हुए नीचे तक आ जाएंगे। ये देखिए, जब आप ऐसे कंटिन्यू बनाओगे तो ऐसे इसकी कुछ लुक आएगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा ये डिज़ाइन है। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।